अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है। ये एक नया प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं, 1987 मॉडल है और ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और इसके छोटे छोटे काम हैं वो करवा रहा हूँ मैं, लाइक रेडिएटर, सस्पेंशन, जो कि मैं आपको बिफ़ोर नहीं दिखा सका। एक चीज़ आपको ज़रूर दिखाऊँगा जो इसके अंदर है, बिफ़ोर नहीं दिखा सका, आफ्टर ज़रूर दिखाऊंगा। बस कुछ वजह आती हैं जिस वजह से आपको नहीं दिखा सका, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मज़ा आएगा आपको देख के कि ज़बरदस्त चीज़ हमने बनाई है और अभी तैयार हो रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नया प्रोजेक्ट आपकी खिदमत में हाजिर है और इस टाइम मैं उसी प्रोजेक्ट में बैठा हूँ। बस कुछ वीडियोस मैं नहीं बना सका, लेकिन उसका बिफ़ोर नहीं बना सका, आफ्टर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, उसकी वजह ये थी कि थोड़ा सा कामों में बिज़ी हो गए थे और ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं था और ना ही कोई प्रोजेक्ट नया था। मेहरान पे मज़ीद प्रोजेक्ट करने को दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट लेके आए हैं, आपको दिखाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। कुछ चीज़ें उसमें अमेंडमेंट की है मैंने, वो आपको बिफ़ोर की वीडियोस तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ये है कि आफ्टर आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। अभी इस टाइम मैं जा रहा हूँ उसी प्रोजेक्ट के अंदर और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त गाड़ी है। तो इंशाल्लाह पहुँच के अपनी मंजिल पर फिर आपसे बात भी करते हैं, आपको बताते भी हैं कि कैसी चीज़ है, क्या चीज़ है, और आपने बताना है कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आप एक व्लॉग बनाने के लिए मेरे पास एक चीज़ आ गई है, अब उसमें कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ज़बरदस्त गाड़ी है ये, है जी निसान 87 मॉडल और इंतहाई खूबसूरत, ज़बरदस्त, ऑलमोस्ट जेन्युइन कंडीशन में है और सोफ़ा सीट्स के साथ है, ब्लैक कलर है, एक्सटीरियर भी ऑलमोस्ट जेन्युइन है और इंटीरियर तो डेफिनेटली जेन्युइन है और बहुत प्यारी राइड है। इसके अंदर हमने अमेंडमेंट की है, इसके अंदर 2005 का निसान का इंजन डाला है, ट्विन केम। ओहो, मोबाइल गिर गया। उस इंजन की वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त हो गई है। एसी भी नहीं है इस गाड़ी में, एसी भी लगवा लेंगे वक्त के साथ साथ। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो कोई प्रमोशन मिलेगी, तो फिर कोई ना कोई पैसे आएंगे तो फिर आप को इसमें एसी भी नज़र आएगा। तो अभी ये है कि इसको, बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है, आपको इसका पूरा वॉक अराउंड दूँगा मैं और आपको बताऊंगा कि इस पर कितने कितने किस किस हिसाब से किस किस जगह पैसे लगे। कुछ वीडियोस मैं नहीं बना सका बिफ़ोर की, तो वो इंशाल्लाह आपको डिटेल में बता दूंगा कि मैंने क्या क्या करवाया इसमें। इसकी सस्पेंशन का इशू था वो मैंने करवाया और इसका इंजन हमने स्वैप किया, ठीक है, EFA के साथ। इसका 1000 CC होता है और कार्पोरेटर वाला होता है। ये जो अब लगवाया ये EFI है और ये 1300 CC है और परफॉर्मेंस वाइज बड़ा ज़बरदस्त है, पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी है। अभी AC का पता, जब AC लगेगा तब क्या एवरेज देगा अभी नहीं, लेकिन अभी बहुत अच्छी है। अभी इसकी ट्यूनिंग करवाई है, इसके सस्पेंशन का सारे काम, पुश वगैरह ख़राब थे वो सारे करवाए हैं इसके, और इसके अलावा इसके बॉडी के भी आपको काम इंशाल्लाह वो आपको नज़र आएंगे, उसमें आपको काम होते हुए भी नज़र आएंगे। इंजन का इस टाइम क्लियर है, सस्पेंशन क्लियर, टायर्स डलने वाले, टायर्स के ज़रा वीक हैं थोड़े से, डिफरेंट, पता नहीं कैसा बंदा चलाता रहे डिफरेंट टायर डाले हुए, मतलब चारों ही टायर डिफरेंट हैं। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको बताएंगे, इस पर नए से नए ब्लॉग आएंगे, जो भी इस पर काम किया जाएगा आपको बताया जाएगा कि आज हम ये कर रहे हैं और कल ये कर रहे हैं या परसों ये कर रहे हैं। तो आपका बस काम जो है वो ये है कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें, बेसिकली आपकी सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट होगी तो डेफिनेटली काम भी करेंगे। अभी मैं तकरीबन 2-3 माह से वीडियोस नहीं बना रहा था, उसमें यह था कि मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था,
तो प्रोजेक्ट ना होने की वजह से दिल नहीं कर रहा था कि मैं रान के ऊपर मैं कोई मज़ीद पैसे इन्वेस्टमेंट करूं, तो मज़ा नहीं आ रहा था। अभी ये ज़रा इन्वेस्टमेंट करने वाली गाड़ी है, इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़बरदस्त करेंगे। ठीक है, पहले जो मेरे पास आप देखते रहे, पहले आपने मेरे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है कि मैं निसान का बहुत शौक है मुझे। मैंने पहले डाटसन 120Y रखी रखी है 80 मॉडल, उसके बाद 85 मॉडल मेरे पास थी निसान सनी, और ये है 87 मॉडल। इसकी शेप, तीनों की शेप डिफरेंट शेप है, तो ये शेप बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी लगती है। मॉडिफिकेशन होने के बाद, लो होने के बाद ये और भी प्यारी लगती है। तो इंशाल्लाह आपको स्ट्रिकरिंग इस निशान के लिए अभी करते हैं, आपको दिखाते हैं। फ्रंट स्क्रीन के लिए बना रहा हूँ, विंड स्क्रीन के लिए, तो जैसे ही बनता है आपको दिखाते हैं। ये जी लेजेंड लग गया है 1987 निसान। ये जी हमारा स्टिकर रेडी हो गया है, अब इसको जाके हम विंड स्क्रीन पे अप्लाई करते हैं। थे लेकिन आंधी आ गई, बहुत शदीद आंधी, बहुत ज़बरदस्त आंधी आ गई, तेज़, इसलिए हमारा खत्म हुआ है।